हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, इग्नू गाइडेंस पे। मैं आरती। चलिए, आइए, आज का जो वीडियो है BPCS 184 का है। जी हाँ, विद्यालय मनोविज्ञान। और इसमें आज हम यूनिट 9, ब्लॉक 4 यूनिट 9 ले लेते हैं, बाल अधिकार एवं सुरक्षा, बिकॉज ये मुझे वेरी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर लग रहा है। ठीक है, और इसमें बाल अधिकार क्या है, भारत में बाल अधिकार, बाल अधिकार के क्या विकास हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे आ सकते हैं। कम से कम एक या दो क्वेश्चन मध्याह्न भोजन योजना क्या है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो 100% मुझे लगता आएगा। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं, देख लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है ना, बाल अधिकार, अधिकार क्या है, राइट्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं होती हैं, जिनमें मौलिक आवश्यकताएं प्रमुख स्थान रखती हैं। मूलभूत आवश्यकताएं वैधानिक रूप, यानी कि वैधानिक रूप पाकर अधिकार बन जाती है, यानी वैधानिक मतलब एक कानूनी रूप करके जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं। और अधिकार हमारे हक होते हैं, हमें बताते हैं कि दूसरे हमारे लिए क्या आवश्यक करें और क्या ना करें, आवश्यक करें और क्या ना करें। तो अधिकार का मतलब होता है, हम बोलते हैं ना कि मुझे हमारे अधिकार पता है, तो मुझे हमारे राइट्स पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शिक्षा अधिकार अधिनियम बन जाता है। उदाहरण के लिए, शिक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता शिक्षा अधिकार अधिनियम बन जाता है। तो वे सरकारों को एक ढांचा प्रदान करते हैं और देश के कानूनों का विषय वस्तु बन जाते हैं। तो अधिकार वे अवधारणाएं हैं जो हमारी नैतिकता को उद्देश्य देती है। ठीक है, किसको? नैतिकता को उद्देश्य देती है। हर नागरिक को अधिकार दिया जाता है और उम्मीद की जाती है कि वह राज्य के प्रति अपने कर्तव्य को समझेगा, और सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह अपने नागरिकों को अधिकार प्रदान करे। ठीक है, तो ये हो गया अधिकार। तो अधिकार वह नैतिकता को उद्देश्य देती है, और हमारा अधिकार यानी अधिकार जो होता है, जो मुझे बनता है, वो वैधानिक रूप से हमें मिलता है, और हमें अधिकार होता है अपने काम को करने का। ठीक है, चलिए अब यहां पर जल्दी से देख लेते हैं कि बाल अधिकार क्या है। जब हम अधिकार की राइट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे बाल अधिकार क्या है? तो देखिए, बच्चे अबोध होते हैं और बचपन में भी विकास के लिए पूरी तरह से माता पिता या उन सब पर निर्भर करते हैं, जो उनकी देखभाल का दायित्व निभाते हैं। तो दुनिया में कुछ बच्चे इतने भाग्यशाली होते हैं जिनको भरपूर सुरक्षा प्राप्त होती है, उनका बचपन स्वस्थ व खुशियों से भरा होता है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो असुरक्षित होते हैं, जो अस्वस्थ होते हैं और भेदभावपूर्ण वातावरण में होते हैं, उनका शोषण भी होता है, उनके मतलब पेरेंट्स ही नहीं होते, कोई गार्जियन नहीं होता है, और अपना बचपन जो है वो शोषण के बीच में बिताने के लिए विवश होते हैं। तो ऐसे बच्चों को उनके जीवन रक्षा के लिए बाल अधिकार प्रदान किए गए हैं। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद बच्चों के अधिकार के लिए मुहिम चलाने वाले एग्लाइटिन जेव ने जिनेवा घोषणा में बाल अधिकारों को उल्लेख किया था, जो बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने गठित होने का आधार बना, और जिनका विजन था कि दुनिया में कोई भी बच्चा भूख व कठिनाइयों का सामना करने के लिए विवश ना हो। तो दुनिया के हर देश में 18 वर्ष से कम आयु के हर नागरिक को लिंग भेद, राष्ट्रीयता, जन्म स्तर, धर्म, आर्थिक स्थिति, रंग, मूल, दिव्यांगता या अन्य किसी भेद करने वाले के आधार से ऊपर उठकर न्यूनतम अधिकारों स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। और बाल अधिकारों का महत्व बाल अधिकारों से भी बढ़कर हो गया, मानव अधिकार से बढ़कर हो गया बाल अधिकार का महत्व। ठीक है, तो 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों की मूलभूत आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखा जाए। इस अवस्था के बच्चे पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर होते हैं, तो ये कहलाता है 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो अधिकार दिए गए हैं वो बाल अधिकार कहलाते हैं, क्योंकि 18 वर्ष से नीचे का बच्चा क्या कहलाता है? बाल कहलाता है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम यहाँ पे ले लेते हैं भारत में बाल अधिकार है, इंपॉर्टेंट नया टॉपिक है, और हो सकता है कि ये आ भी सकता है। ठीक है ना, तो 0 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को, आयु वर्ग को बच्चों की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, तो भारत में बच्चों की ऊपरी आयु सीमा के संबंध में कुछ भिन्नताएं हैं। कुछ कानून 0 से 14 वर्ष के बाद के लिए, जो भारत में अधिकार दिए गए ना, बाल अधिकार जिसको हम बोलते हैं, बच्चों का अधिकार ना, वो 0 से 14 वर्ष के बाद में दिया गया है। शिक्षा का अधिकार 0 से 14 वर्ष के बाद में दिया गया है, और कुछ को 0 से 18 वर्ष के बाद में लागू किया गया। उदाहरण के लिए, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर लागू होता है, कि जब वो प्राइमरी में पहुंच जाते हैं। ठीक है, राइट। इसी तरह से जबकि किशोर न्याय, बच्चों की देखरेख जो संरक्षण होता है, अधिनियम 2000 में 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर लागू होता है, जो किसी अपराध में लिप्त हो जाते हैं, चोरी वगैरह में पकड़े जाते हैं, 18 वर्ष से यदि कम के होते हैं तो उनको किशोर न्याय में रखा जाता है। ठीक है ना, बाल न्याय में उनको रखा जाता है।
है। तो भारत में हम तो दो हो गए, एक शिक्षा का अधिकार हो गया जो 6 से 14 वर्ष के लिए हो गया, और एक किशोर न्याय हो गया अधिनियम 2000, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है शायद, और किशोर न्याय अधिनियम 2000 है जिसमें 18 वर्ष से कम आयु को रखा गया है। ठीक है, भारत में होने वाली जनगणना में 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति की परिभाषा बच्चे के रूप में है। 14 वर्ष से जो कम आयु का है उसे बच्चा माना जाता है, और अंतरों के कारण आने वाली परेशानियों को देखते हुए समझ लेना जरूरी है कि वर्तमान सुरक्षात्मक उपाय कानूनी संरचना जिन उद्देश्यों को केंद्र में रखकर तैयार की कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं, भारत में बचपन बचाओ एक अग्रणी संस्था है, ठीक है ना, बचपन बचाओ जो बाल अधिकारों को यथार्थ जमीन पर उतारने के लिए संघर्ष कर रही। तो ज्यादा टिप्पणी के लिए दे दी बचपन बचाओ क्या है, तो बचपन बचाओ एक अग्रणी संस्था है, और साथ साथ में जो बाल अधिकार को यथार्थ यानी जमीन पर उतारने के लिए, जो बाल अधिकार है उसको सही मायने में लाने के लिए काम कर रही है। लाखों की संख्या में भारतीयों ने इस संस्था को आर्थिक सहयोग दिया है क्योंकि यह राष्ट्र के बच्चों के हितों की लड़ाई लड़ रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां के लिए भारत नैतिक और पूर्ण श्रमिक बाजार बनता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया हमारा बाल अधिकार भारत में यदि आता है। बाल अधिकार तथा सतत विकास लक्ष्य क्या है, हो सकता है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि बाल अधिकार तथा सतत विकास लक्ष्य क्या है। सतत विकास का मतलब ही होता है अनवरत चलने वाला विकास जो हमेशा चलता रहे, ठीक है ना। ओके, तो इसमें तो कुछ ऐसा दिया नहीं है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों को लाभ पहुंचाने वाले जिन विविध योजनाओं पर सरकार के निर्देशों के आधार पर व्यापक रूप से कार्य किया है वो यहाँ पर है, जैसे आंगनवाड़ी योजनाएं चल रही हैं, ठीक है ना। अब ये इधर क्वेश्चन आता है कि भारत में बाल अधिकार और सतत विकास से क्या समझते हैं, भारत में बाल अधिकार से क्या समझते हैं, कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो फिर आपको ये लिखना होगा। तो आंगनवाड़ी सेवा योजना चलाई जा रही है जिसका मेन लक्ष्य क्या है, 6 वर्ष तक के बच्चों गर्भवती धात्री माताओं के लिए आंगनवाड़ी है, ठीक है ना। सेवा क्या क्या दी जाती है, 6 सेवाओं के पैकेज है, पोषण संवर्धन यानी वहां पे खाने को दिया जाता है, स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है, परामर्श दिया जाता है, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, टीकाकरण, पोषण स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है, फिर पोषण अभियान होता है, ठीक है ना। क्या योजना है पोषण अभियान, छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों में कुपोषण, कम पोषण और अनीमिया को कम करने का प्रयास, किशोर लड़कियों के लिए, विद्यालय न जाने वाली 11 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए होता है, और बच्चों के सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए बच्चों का सशक्त करण के उन्हें समुचित पोषण आहार प्रदान करना, ठीक है, और गृह कौशल में बच्चों को निपुण करना यहाँ पे है किशोर लड़कियों के लिए। उज्ज्वला योजना लड़कियों महिलाओं के लिए, बाल तस्करी अपहरण आदि की स्थिति में उन्हें इसके चंगुल से मुक्त कराना तथा सुरक्षित संस्थानों में रखकर उनकी समुचित देखभाल करना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लड़कियों के लिए होता है, बालिका भ्रूण हत्या की रोकथाम करना, बालिकाओं की सुरक्षा और समृद्धि, बालिकाओं की शिक्षा और भागीदारी सुनिश्चित करना। बाल संरक्षण सेवा योजना बच्चों के लिए होता है, बाल शोषण से बचाना, उपेक्षा, परित्याग अथवा माता पिता से अलग रखना। तो देखिए ये योजनाएं हैं, हो सकता है कि भारत में कौन कौन सी योजनाएं बाल विकास के लिए चल रही, तो लिखना पड़ेगा। भारत में बाल विकास से आप क्या समझते हैं, तो लिखना पड़ेगा। भारत में बाल विकास सतत विकास से क्या समझते हैं, तो भी आपको यही लिखना पड़ेगा। या हो सकता है कि एक इसमें से किसी योजना का नाम दे दे और आप टिप्पणी के लिए क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, तो आपको फिर वो करना पड़ेगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं, देखिए कैलाश सत्यार्थी है, ये समाज सुधारक है, और इनको जो है 2014 में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। बाल दासता तथा बाल शोषण के क्षेत्र में 1980 से काम कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने बधुआ, बाल मजदूरी, बाल श्रमिकों के शोषण, अशिक्षा तथा गरीबी उन्मूलन के लिए काम किया है। तो हो सकता है जिनसे टिप्पणी लिखने के लिए कहा जाए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कैलाश सत्यार्थी, और उनके बचपन का एक हिस्सा मोची के बेटे से जुड़ा है। अपने गाँव के अति गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए काम से उन्होंने समाज सेवा आरम्भ की थी। हरिजनों के उद्धार में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो निश्चय ही प्रेरणास्पद कदम था, और अपने कार्यकर्ताओं के जीवन को खतरे में डालते हुए भी उन्होंने हरिजन तथा अति पिछड़ों के उद्धार के लिए संघर्ष किया। कैलाश सत्यार्थी बाल श्रमिकों तथा बाल तस्करी से जुड़े अनेक मामलों के विरुद्ध लगातार लड़ते रहे हैं, और उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन नामक संगठन की स्थापना की है, और जिसका उद्देश्य बाल बधुआ मजदूरों को मुक्त करवाना, यानी बच्चों को बधुआ मजदूरों से, जो बच्चे लोग काम वगैरह करते हैं सभी जगह, कारखानों में, कल कारखानों में, है ना, एक तरह से कैद करके उनको रखा जाता है, उनसे मुक्त कराना है। तो ये देख लीजिएगा, एक तो क्वेश्चन पूछ
सत्ता बचपन बचाओ आंदोलन नामक से क्या समझते हैं बताइए, या फिर यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी के बारे में क्वेश्चन भी दे सकता है, टिप्पणी दे सकता है, दो चीजों में चीज पूछ सकता है, ठीक है। तो उन्होंने संघर्ष किया है बाल मजदूरों के अंतरराष्ट्रीय शोषण के विरुद्ध, उन्होंने वैश्विक स्तर पर भी अभियान चलाया है और जिसके बल श्रम के सबसे बदतर प्रकारों को समाप्त करने के लिए बनाए गए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशनल के कन्वेंशन 182 को सभी सदस्य देशों ने स्वीकार कर लिया है, ठीक है ना। और वो निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, उन्होंने गरीबी और पिछले समाजों की शिक्षा संबंधी समस्याओं के समाधान खोजे, गुड वेव इंटरनेशनल नामक अंतरराष्ट्रीय संगठन की उपभोक्ता जागृति और समुचित कदम भी उठाए थे। तो ये हो गया कैलाश सत्यार्थी का, हो सकता है उनसे संबंधित पूछ। जीवन अधिकार एवं विकास क्या है? देखिए हर एक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, ठीक है ना। और स्वास्थ्य जो होता है मात्र रोग की अनुपस्थिति नहीं है, वरन पूर्ण शारीरिक मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती की अवस्था कहलाती है स्वास्थ्य, ठीक है ना। कि हमें कोई रोग नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम निरोगी हैं, हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से भी स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ कहलाएंगे। तो अतः किसी बच्चे का जीवित रहना ही पर्याप्त नहीं है, हर बच्चे को हर तरह की हानि से बचाया जाना, उसे विकास के समुचित अवसर मिलना आवश्यक है। स्वास्थ्य एवं अस्वस्थ अवस्थाओं की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है कि बच्चा लगातार किन परिस्थितियों में रह रहा है, किन स्थितियों से निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। तो जीवित रहने के लिए विभिन्न स्थितियों से गुजरना बच्चे के सर्वांगीण विकास में विशेष महत्व रखता है। तो अफ्रीका में एक कहावत है कि एक बच्चे को बड़ा करना पूरे गाँव की जिम्मेदारी होती है, और इस संदर्भ में कहावत उपयुक्त है। बच्चे का जीवित रहना उसके वृद्धि एवं विकसित होना केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता है, उसके परिवेश की जिम्मेदारी, उसके परिवार की जिम्मेदारी है, और रियलिटी होती है। हम लोग यही तो कहते हैं ना कि हमारी क्यों जिम्मेदारी भाई, उसके घर वाले, उसके पेरेंट्स देखे, है ना। तो बच्चों के विकास पर बच्चे के समुदाय, राजनीतिक, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सभी विचारधाराओं का प्रभाव पड़ता है जो उसके समुदाय में मौजूद होती है, उसके समुदाय से मिलती है। तो विकास के लिए बचपन के आरंभिक दिन जो होते हैं ना चुनौती भरे होते हैं, वो कौन से दिन होते हैं? जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक बच्चे का सर्वांगीण विकास तेजी से होता है। कब से? जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक। तो स्नायु विज्ञान के विशेषज्ञ भी यही कहते हैं कि मस्तिष्क के विकास के लिए बच्चे के जीवन के आरंभिक 3 वर्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, और इस अवधि में कुपोषण के कारण भारी नुकसान हो सकता है। तो प्रोत्साहन से भरा वातावरण ना हो तो माता पिता बच्चे का शोषण या उपेक्षा करते हो, शराबी हो या अन्य किसी तरह के नशे के आदी हो, तो बच्चे में अनेक प्रकार की दुर्बलताएं आ जाती हैं, कुष्ठा की भावना आ जाती है और उनका विकास रुक जाता है। तो अतः बचपन के आरंभिक दिनों में बच्चों की खेल, देखभाल, शिक्षा बच्चे का मूल अधिकार माना जाता है। तो बच्चे का मूल अधिकार क्या है? आरंभिक दिनों में बच्चे की देखभाल और शिक्षा, यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था की जो शिक्षा होती है, वो मूल अधिकार माना जाता है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 भी व्याख्या करता है कि हर बच्चे को प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना राज्य की जिम्मेदारी है, और जब तक बच्चे 6 वर्ष के नहीं हो जाते हैं तो अनुच्छेद 11 के अनुसार शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, देखिए शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में बना था, वह यह कहता है, व्यवस्था देता है कि 3 से 6 वर्ष की आयु के बीच बच्चों को राज्य अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा प्रदान करे। और भारत सरकार बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा सेवाएं राष्ट्रीय आरंभिक बचपन देखभाल शिक्षा नीति के अंतर्गत प्रदान करें, जिसमें बच्चे का संपूर्ण विकास हो। और जन्म से लेकर के 6 वर्ष की आयु तक बच्चों के लिए सरकार ने बच्चों के समग्र विकास को केंद्र में रखकर जो योजनाएं बनाई हैं, अब वो नीचे हैं योजनाएं। तो ये एक तरह से बच्चे का अधिकार क्वेश्चन यदि आता है कि जीवन अधिकार एवं विकास, एक बच्चे का जीवन अधिकार एवं विकास से आप क्या समझते हैं बताइए, तो आपको यही भी बताना पड़ेगा। अब बच्चों के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई है, ठीक है ना, बच्चों के विकास के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं बनाई है? तो एकीकृत बाल विकास पहला है, ICDM, जिसे हम आंगनवाड़ी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की समस्त आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। ICDS योजना के अंतर्गत आने वाली सेवाएं आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा प्रदान की जाती हैं। ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र कम से कम 1,000 ग्रामीण जनों को, 700 जनजाति क्षेत्रों के लोगों को आपसी सेवाएं प्रदान करते हैं। तो आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन कौन करता है? तो आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करती है। उनके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं का लक्ष्य बच्चों के जीवन, उनके शारीरिक विकास और वृद्धि के दायित्व को पूरा करना होता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना होता है,
टीकाकरण होता है, कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, घर घर जाकर गर्भवती महिलाओं का मार्गदर्शन करते हैं, उनको वहां से मिर्चिन दी जाती है, खाने के लिए पौष्टिक आहार दिए जाते हैं, साथ ही साथ में उनकी गोद भराई का कार्यक्रम भी यहाँ से किया जाता है। बच्चों की अगर सूची की बात बनाते हैं तो उन्हें खेल खेल में पढ़ाई के लिए तैयार करते हैं, बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें प्रतिदिन पौष्टिक आहार मिले। 3 वर्ष से कम आय के बच्चों की प्रति माह विकास सूची वृद्ध तालिका तैयार की जाती है, डेली उनका माप वेट लिया जाता है कि बच्चे का वेट घट रहा है या बढ़ रहा है, या हफ्ते में लिया जाता है, और माँ के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आंगनबाड़ी केंद्र गर्भवती महिलाओं के बच्चों को जन्म देने से पहले समुचित देखभाल भी करते हैं। 15 से 45 वर्ष की महिलाओं को परिवार नियोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी जानकारियां प्रदान करते हैं, उन्हें पोषक आहार देते हैं। ठीक है, तो ये आंगनबाड़ी का एक काम हो गया। राजीव गांधी शिशु गृह योजना भी चलाई गई है। इस योजना के आरंभ में काम पर जाने वाली माताओं के बच्चों को रखने की दृष्टि बनाई गई थी, जो माताएं काम पे जाती हैं उनके बच्चों को यहाँ पर रखा जाता है। लेकिन ये योजना बहुत लोकप्रिय हुई और राज्यों तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में शिशु गृह खोले गए। तो राजीव गांधी शिशु गृह योजना, यहाँ पर 25 बच्चों को 8 घंटे तक प्रातः 9 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक रखा जाता है, और शिशु गृह में बच्चों के स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार, विश्राम, खेल खेल में पढ़ाने की व्यवस्था भी की जाती है। फिर माता तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया है। तो प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम एकीकृत कार्यक्रम है, जिसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 1997 में स्टार्ट किया गया था। इस योजना के अंतर्गत जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, तो कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है माता तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत, तो ये देख लेते हैं। जन्म पूर्व, प्रसव काल के दौरान, प्रसव उपरांत दी जाने वाली सेवाएं, आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित गर्भपात भी, प्रजनन काल में होने वाले संक्रमण, यौन संक्रमण आदि के निदान का प्रावधान यहाँ होता है। किशोरियों को पारिवारिक जीवन, प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी परामर्श दिए जाते हैं, जानकारियां दी जाती हैं। विवाहित जोड़ों को गर्भ निरोधक उपायों की जानकारी दी जाती है और गर्भधारण से बचने के उपाय की जानकारी दी जाती है। नवजात शिशुओं की देखभाल तथा उनके प्रतिलक्षण उपायों की जानकारी दी जाती है। ठीक है ना, किसमें दी जाती है, माता तथा शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में। सॉरी, अब देख लेते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने 2005 में प्रसव के दौरान होने वाली माताओं की मृत्यु के लिए, जब मृत्यु हो जाती है डिलीवरी के वक्त, तो प्रसव उपरांत नवजात शिशुओं की मृत्यु दर पर नियंत्रण करने के लिए, यानी कि डिलीवरी के दौरान जो माताओं की मौत होती है और साथ साथ में बच्चों की जब मौत हो जाती है, तो इन मौतों को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे NRHM की कहा जाता है, उसकी स्थापना की थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मां तथा नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए खोले गए थे। मातृगृहों के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने के उद्देश्य से बनाए गए, और इसी तर्ज पर शिशु जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 2011 में आरंभ किया गया, जिसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को समुचित और निःशुल्क सेवा प्रदान करना तथा उनको संस्थागत प्रसव कराने की सुविधाएं देना था, और जब तक बच्चा 1 महीने का नहीं हो जाता तब तक माता शिशु की देखभाल करना था। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण सुरक्षा हो गया। मध्यान्ह भोजन, मिड डे मील जिसको हम कहते हैं, बहुत ही आसान है, मुझे लगता कि बताने की जरूरत है। राष्ट्रीय पोषक आहार कार्यक्रम का आरंभ 1995 में किया गया था। प्राथमिक शिक्षा का, कुछ प्राथमिक शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए पूरा जो खर्चा इसका होता है केंद्र सरकार उठाती है। मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय में भोजन कराने का कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्या होता है, विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना, उन्हें विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए नियमित विद्यालय आने के लिए बाध्य करना खाने के लालच में, और बच्चे तो वैसे भी लालची होते हैं ना, विद्यालय में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना और विद्यालय में आने वाले सभी बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना। तो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए की जाती है और कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए है, और इस योजना को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए कुछ खास चीजों पर जोर दिया जाता है, जैसे किचन गार्डन में स्थानीय रूप से भोजन बनाने वाली सामग्रियां हो, साप्ताहिक रूप से मध्याह्न भोजन के लिए आवश्यक चीजों की सूची तैयार करना, मिड डे मील संबंधी आपूर्ति व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे, पौष्टिक आहार देना, दूध वगैरह देना, दलिया खिचड़ी देना, लेकिन और हफ्ते में एक दिन अच्छा खाना बच्चों को देना, पर ऐसा होता कहाँ है, सभी पैसे लोग खा जाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, 100% ये क्वेश्चन पूछ सकता है, आ सकता है। ठीक है ना। देखिए, शिक्षा सामाजिक बदलाव लाती है, नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाती है, ठीक है, राष्ट्र की उन्नति के लिए विशेष महत्व रखती है। तो आरंभिक शिक्षा में कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राथमिक की शिक्षा में देखा जाए, और तथा कक्षा 6 से 8 तक जूनियर हाई स्कूल की शिक्षा आती है। तो आरंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के अंतर्गत जो कुछ प्रमुख बातें आती है, यानी शिक्षा का अधिकार जो होता है वो आरंभिक शिक्षा को माना जाता है, और आरंभिक शिक्षा जो होती है वो जस्ट अभी हम आपको बता चुके हैं कक्षा
एक से, यानी जिसे प्राइमरी लेवल की शिक्षा कहते हैं, कक्षा एक से लेकर के 5 तक की होती है। तो इनके लिए क्या क्या रखा गया है, प्रावधान क्या क्या किया गया है आरंभिक शिक्षा के लिए, या फिर प्राइमरी शिक्षक के लिए पूछ सकता है, बच्चों की शिक्षा के लिए। देखिए, मध्याह्न भोजन का कार्यक्रम रखा गया है, मिड डे मील रखा गया उन बच्चों के लिए, किसके लिए, आरंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा के लिए। प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने के साथ जिला प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देना। शिक्षा कर्मी शिक्षक की अनुपस्थित में शिक्षा प्रदान करने का दायित्व निभाने वाले शिक्षा कर्मी कहलाता है। ठीक है, तो शिक्षा कर्मी रखना कि अगर शिक्षक नहीं है तो उसकी जगह में वो पढ़ा सके। लोक जुम्बिस, लड़कियों की शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम। अब देखिए, ये कार्यक्रम है, एक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम चलाया गया पोषण के लिए, बच्चों की स्कूल में उपस्थिति के लिए, फिर प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने के लिए जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चलाया गया, जिसे डीपीईपी कहते हैं, फिर शिक्षा कर्मी एक चलाया गया। जब शिक्षा कर्मी नियुक्ति होती है टीचरों की, क्यों होती है, कि जो मेन टीचर होते हैं जब वो वहां पे ना हो स्कूलों में, तो ये टीचर वहां पे काम करें और पढ़ाएं। लोक जुम्बिस ये राजस्थान की है, लड़कियों की शिक्षा से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है ये, ठीक है। और ब्लैक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, इसका भी वीडियो मेरे दूसरे वाले चैनल पे बना हुआ है, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद्यार्थी में, कि विद्यालय की आधारभूत सुविधाओं को केंद्र में रखकर चलाया जाने वाला कार्यक्रम होता है, ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ के स्कूल में कम से कम दो रूम होने अनिवार्य है, बच्चों को खेलने के लिए जगह होनी चाहिए, ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, साथ ही साथ में यहाँ पर दो शौच होने चाहिए, लेट एंड बाथ, जो कि बालक के लिए अलग बालिका के लिए अलग होने चाहिए, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होने चाहिए, वाद्य यंत्र संगीत से संबंधित सभी चीजें यहाँ समुचित व्यवस्था बच्चों के लिए होनी चाहिए। थोड़ा सा माइंड में रख लीजिए, आप प्रश्न ब्लैक बोर्ड टिप्पणी में आ जाए क्वेश्चन में तो आप कर सकें। फिर सर्व शिक्षा अभियान, तो 2000 में भारत सरकार द्वारा आरंभ की जाने वाली महत्वपूर्ण शैक्षिक योजना थी, जिसका उद्देश्य था समय सीमा के अंतर्गत आरंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, उसको बढ़ाना। सर्व शिक्षा अभियान अकेली ऐसी शिक्षा योजना है जो आरंभिक शिक्षा के सभी पहलुओं को समग्रता के साथ पूरा करती है। राज्य सरकारों के सहयोग से चलाई जाने वाली योजना भारतीय संविधान में 46वें संशोधन से संबंधित है, जिसे भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा मौलिक अधिकार देती है। सर्व शिक्षा अभियान, और सर्व शिक्षा अभियान जहाँ कहीं आवश्यकता है वहां अब वहां की शिक्षा आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करता है। तो इस योजना के अंतर्गत क्या क्या काम किए जाते हैं, क्षेत्रों में नए विद्यालय खोले जाते हैं, जहाँ विद्यालय नहीं है, जहाँ शिक्षक नहीं वहां शिक्षकों की व्यवस्था की जाती है, जीवन कौशल की शिक्षा दी जाती है, लड़कियों की शिक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया जाता है, तथा दिव्यांग अथवा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षित किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान सब वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका चैप्टर है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, इससे तो क्वेश्चन ही पूछ सकता है, राइट टू एजुकेशन 2010 अनुच्छेद 21A के 46वें संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। 2010 अनुच्छेद 21 में, मुझे ऐसा लगता है 2009 में आया, अच्छा 2009 में आया था, 2010 में पारित किया गया था, अनुच्छेद 21A में RTI द्वारा स्थानीय राज्य और सरकारों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, सभी बच्चों को शिक्षा देने के लिए बाध्य किया जाता है, कि राज्य सरकारें 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का जो जिम्मेदारी अपने ऊपर उठाए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 में आया, स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि यदि कोई विद्यालय बच्चों को शिक्षा देने का दायित्व समुचित रूप से नहीं निभा पाता है तो उसे शिक्षा शुल्क दे लेने का कोई अधिकार नहीं है। और अनिवार्य शिक्षा के बारे में अधिनियम व्यवस्था देता है कि 6 से 14 वर्ष के हर भारतीय बच्चे को शिक्षित करने के लिए उसे प्रवेश दें, उसकी उपस्थिति का विवरण तैयार करें, उन्हें आरंभिक शिक्षा प्रदान करें। इसके अतिरिक्त शिक्षा का अधिकार अधिनियम यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षित तथा योग्य अध्यापक बच्चों को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना नहीं देंगे, मारपीट नहीं करेंगे, प्रवेश परीक्षा नहीं लेंगे और निजी तौर पर ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे तथा तो बिना मान्यता प्राप्त कोई विद्यालय शिक्षण कार्य नहीं करेगा। तो इसके अलावा कुछ निर्धारित भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समितियों का गठन करना अनिवार्य हो गया है, ठीक है ना। तो ये है आपका शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ही पूछे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या कहलाता है, सुरक्षा एवं भागीदारी अधिकार। तो कठिन परिस्थितियों में बड़े होने वाले बच्चों पूरी दुनिया के व्यवसायिक समूहों के लिए चिंता का कारण हो रहे हैं, और CDIC यानी CDIC के बच्चे हुए हैं, CIDC के बच्चे हुए हैं, जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं हो पाती है, जिन्हें मौलिक अधिकार नहीं मिल पाते, अपने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक भौगोलिक परिस्थितियों के कारण उनका दम असुरक्षित अवस्था में रहता है, उन्हें सुरक्षा करना जरूरी हो जाता है। एशिया के प्रांत एवं महासागरीय संयुक्त राष्ट्र संघ के सामाजिक सहयोग से यहाँ पर CIDC की व्याख्या करते हुए कहा है कि जो बच्चे कम या अधिक अवस्था का एक प्रकार के
प्रगाढ़ मानसिक और शारीरिक खतरों से गुजरते हैं उन्हें सीआईडीसी कहा जाता है, ठीक है ना। जो प्रगाढ़ मानसिक और शारीरिक खतरों से गुजरते हैं जो बच्चे कम या अधिक अवधि तक, उन्हें सीआईडीसी कहा जाता है। पढ़ाते पढ़ाते थक जाती हूँ तो कभी कभी वर्ड भी थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है। सीआईडीसी क्या है? बच्चों की श्रेणियां देख लीजिए। आश्रय का स्थान, गंदी बस्तियों में रहने वाले बच्चे, प्रवासी बच्चे, बेघर बच्चे, घुमंतू बच्चे, गली और कैदियों में बच्चे, गलियों में भटकते बच्चे, लावारिस बच्चे जो होते हैं, गरीबी में जी रहे बच्चे, घोर गरीबी में जीवन बिताने वाले, झुंगी झोपड़ी में रहने वाले, भीख मांगने वाले बच्चे, बाल श्रमिक वाले बच्चे इनके अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक आपदाओं की हिंसा के शिकार बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते, मर जाते हैं फिर कोई नहीं रहता उनका। दुर्व्यवहार के शिकार बच्चे, वेश्यावृत्ति चपेट में आए बच्चे, वेश्याओं के बच्चे, यौन शोषण के उत्पीड़न वाले बच्चे, है ना, एड्स जैसी बीमारी से ग्रसित बच्चे, जोखिम भरे कामों पर लगाए गए बच्चे, खोए हुए बच्चे, तस्करी के शिकार बच्चे, बाल विवाह जैसी सामाजिक बुराई के सताए बच्चे, अपराध में फंसे किशोर, नशीली दवाओं के जाल में फंसे बच्चे, दिव्यांग बच्चे, अनाथ बच्चे, किन्नर के रूप में बच्चे, ये इतने बच्चे हैं जिनके लिए सीआईडीसी जो है काम करता है, ठीक है ना। तो सीआईडीसी क्या है? जो बच्चे कम या अधिक अवस्था अनेक प्रकार के मानसिक व शारीरिक खतरों से गुजरते हैं उन्हें सीआईडीसी बच्चे कहा जाता है, और उसकी श्रेणी में ये बच्चे आते हैं। बाल श्रमिक क्या है? मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है कि वो बच्चे छोटे बच्चे होते हैं जो छोटी अवस्था में मजदूरी करने लगते हैं, उनका बचपन उनसे छीन लिया जाता है, वो विद्यालय नहीं जाते हैं, अपने आयु के बच्चों के साथ खेलने से वंचित रहते हैं, उन्हें दूर रखा जाता है। माता पिता उन्हें जनरली क्या करते हैं, किसी काम में किसी चीज में धकेल देते हैं, वो अपने आर्थिक परिवेश संस्कृति से सामाजिक चीजों सबसे दूर हो जाते हैं। और ये बच्चे जो होते हैं 18 वर्ष से कम आयु में होते हैं, तो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रमिक करवाया जाता है, उनका अनेक प्रकार से वहां शोषण किया जाता है, उन्हें पर्याप्त वेतन भी नहीं दिया जाता है और अनेक तरह के गलत काम उनसे कराए जाते हैं। तो भारतीय अनुच्छेद 24 में स्पष्ट उल्लेख है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री या खदान या अन्य खतरों भरी परिस्थिति में काम पर नहीं लगाया जा सकता है। और इसके अलावा बाल श्रमिक अधिनियम 1986 बाल श्रमिकों की कार्य अवधि व कार्य परिस्थितियों की व्याख्या करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को मजदूरी पर न लगाया जाए। बाल श्रमिकों के पुनर्वास, उनके विकास के लिए 1988 में राष्ट्रीय बाल श्रम नीति लागू की गई थी, ठीक है ना। तो विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले बच्चों को मजदूरी से मुक्त करवाकर उनके विकास की समुचित व्यवस्था की जाए, उनके हितों की रक्षा की जाए। अनुच्छेद 21A जो है वो कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान की जाए। अनुच्छेद 24 के तहत स्थानीय और राज्य सरकारों के दायित्व सौंपा गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को फैक्ट्री खदान हानिकारक स्थलों पर काम पर जाने से रोके, ठीक है। अब भारत सरकार ने 2016 में बाल श्रमिक संशोधन अधिनियम जारी किया था जो न केवल 14 वर्ष से कम के बच्चों की मजदूरी लगाए जाने से रोकता है, बल्कि 14 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को खतरे से भरे कामों पर जाने की व्यवस्था, ना जाने देने की व्यवस्था है, यानी उनको खतरे भरे काम ना किए जाए। और ऐसे किसी मामले में अधिनियम का उल्लंघन होता है, रोजगार देने वाले खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है। और यह अधिनियम स्पष्ट करता है कि घरेलू कामों में सहायतार्थ भी बच्चों को विद्यालय समय के बाद अथवा छुट्टियों में भी काम पर नहीं लगाया जा सकता है। यदि बच्चे की शिक्षा प्रभावित होती है तो उसे कलात्मक कामों में भी नहीं लगाया जा सकता है। घरेलू मजदूरी में नगरों में काम पे लगाए जाने वाले बच्चे, रेस्तरा, होटल, रिसॉर्ट, स्पा, ढाबा आदि पर बाल मजदूरी पर जो बच्चे लगाए जाते हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। 2021-2011 की जनगणना के प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बच्चे सबसे ज्यादा बाल मजदूरी करते हुए पाए गए हैं। जनरली कारण यही होता है कि बहुत से लोग के माता पिता गरीब होते हैं, कर्ज से दबे होते हैं, बधुआ मजदूरी करने की प्रथा जारी रहती है, तो माता पिता के बाद बच्चों को वहां पे काम करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे बाल यौन शोषण, तो आपको पता ही है बाल यौन शोषण करना किस तरह का होता है, अनुपयुक्त यौन व्यवहार करना होता है, ठीक है ना। बच्चे के साथ गलत काम करना, गुदा, मैथुन, जननांग प्रदर्शन, बलात्कार, यौन शोषण, संभोग, बच्चों के जननांगों का स्पर्श करना, प्राइवेट पार्ट को छूना, बच्चों के वयस्कों द्वारा अपने जननांग को छूने के लिए विवश करना, ये यौन शोषण के अंतर्गत आता है। और जब प्रतिभाशाली व्यक्ति या विश्वसनीय व्यक्ति बच्चे का यौन शोषण करता है, उसमें अभिभावक या रिश्तेदार हो सकते हैं। जब बाहरी
जब अपरिचित व्यक्ति बच्चे के यौन शोषण करता है तो उसे यौन उत्पीड़न कहा जाता है, ठीक है ना। यौन शोषण के शिकार बच्चे आघातित हो जाते हैं, स्वप्न में बुरी तरह से डरते हैं, अनेक उनमें आत्मविश्वास में कमी आती है, हीनता की भावना आ जाती है, अपराध बोध, शर्मिंदगी, आत्महत्या की प्रवृत्ति आती है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, ठीक है ना, और बहुत से मनोवैज्ञानिक विकार उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो यौन शोषण के शिकार को सामान्य बनाने के लिए, बच्चे को फिर से आघात से बचाने के लिए अनेक प्रकार के उपाय किए गए हैं, ठीक है। बच्चे को जब फिर से यौन शोषण की क्रियाओं का बखान करना पड़ता है दोषी ठहराए जाने पर न्यायालय के सामने, तो फिर से उसे दर्द को झेलना पड़ता है। तो ये सभी चीजें होती है यौन शोषण के अंतर्गत आ जाती है। तो यौन उत्पीड़न को रोकने को बचाने के लिए 2012 में यौन अपराध अधिनियम सरकार लेकर आई थी, जिसे पाक्सो एक्ट कहा जाता है, आपने नाम सुना होगा। और पाक्सो एक्ट का लक्ष्य यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, पोर्नोग्राफी आदि से बचाना है बच्चों को, ठीक है ना, ओके राइट। तो इस अधिनियम की विशेषताएं क्या है, इसके अनुसार 18 वर्ष की आयु से पहले व्यक्ति को बच्चे की संज्ञा दी गई। तो 18 वर्ष से पहले के बच्चे के साथ अगर आप यौन शोषण करते हैं तो आप अपराधी माने जाएंगे। यौन शोषण के विविध रूप होते हैं, प्रविष्टि अप्रविष्टि यौन क्रिया पर लागू होता है। यौन उत्पीड़न तथा पोर्नोग्राफी दोनों इसके अंतर्गत आते हैं, यानी कि वीडियो वगैरह बनाना, यौन संबंध बनाने के उद्देश्य बच्चों की तस्करी करने पर दंडित करवाना भी हो सकता है, और यौन अपराधों के अनिवार्य रूप से सूचना देना, और जिसकी जानकारी अपराध हुई उसे कानून से जिम्मेदार ठहराना होता है। पुलिस और कर्मचारी अधिकारी की व्यवस्था करना जो बच्चे के यौन शोषण की रिपोर्ट तैयार कर सके, ठीक है, 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट तैयार कर लेनी चाहिए। चिकित्सीय परीक्षण की ऐसी व्यवस्था करना जिससे बच्चे को परेशानी ना हो, बच्चे के माता पिता अथवा अन्य रिश्तेदार नजदीकी व्यक्ति उपस्थिति मौजूदगी में काम होना चाहिए, और कैमरे की मदद से सहयोगी वातावरण में बच्चे की पहचान को गुप्त रखते हुए न्यायालय में न्याय की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। दिव्यांग बच्चे पढ़ा चुके हैं पहले ही, निःशक्तजन बच्चे होते हैं, हैंडीकैप बच्चे होते हैं, ठीक है ना, कानून से जुड़ी कुछ अड़चने भी होती है, गरीबी होता है, परिवार होता है, शाला त्यागी निकम्बापन होता है, ठीक है ना। बाल अपराध की दुनिया में क्यों उन्हें धकेल दिया जाता है, बच्चे जनरली बाल अपराध क्यों करते हैं, तो क्योंकि वो गरीब होते हैं, तो गरीबी उनकी मजबूरी होती है। उन परिवार होता है तो परिवार नहीं होता है, यदि परिवार भी होता है तो परिवार के लोग भी उन्हें जनरली भेज देते हैं कमाने के लिए, क्योंकि पिता दारू खो रहे हैं, निकम्बा है, वो कुछ कर नहीं रहा है, शराब पी रहा है, तो यहाँ पे भी बच्चों का शोषण होता है। शाला त्यागी और निकम्बापन होता है, जो बच्चे बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, विद्यालयों से भाग खड़े हो जाते हैं, अपराध के रास्ते में चले जाते हैं। मीडिया का खुलापन, मीडिया के माध्यम से कुछ हिंसक घटनाएं देखते हैं, अपराध देखते हैं, चोरी वगैरह देखते हैं। यौन की शिक्षा नहीं दी गई होती है तो मीडिया के माध्यम से यौन की शिक्षा कहीं से देख लेते हैं सेक्स करते हुए, और फिर वो काम वो करने लगते हैं और दुनिया से भटक जाते हैं, अपने राह से भटक जाते हैं। तो मीडिया का खुलापन, साथियों का प्रभाव, संगत का असर वेरी इंपॉर्टेंट होता है सभी चीजों में, देखिए ना, संगत अच्छी होती है सभी चीज अच्छी होती है। अगर संगत बुरी हो जाती है, चाहे लत की हो, चाहे जुआ की हो, चाहे नशे की, चाहे शराब की हो, किसी भी चीज की हो, तो यहाँ पे साथियों का भी प्रभाव पड़ता है, ओके राइट। तो चलिए फिर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR मार्च 2007 में इसकी स्थापना की गई थी, देख लीजिएगा, कुछ आप लोग भी अभी से देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से इतना काफी है। चाइल्ड हेल्पलाइन, ये एक सुरक्षा, ये नंबर होता है जो बच्चों के लिए बनाया गया है, टेलीफोन सेवा सुरक्षा होती है जो बच्चों को प्रदान की जाती है, ठीक है, और किसी भी 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहती है। दुनिया के प्रत्येक बच्चे को अपना जीवन जीने का अधिकार है, किसी भी हानि से बचने के लिए उसको उसका अधिकार है, और बच्चे को शोषण अथवा उत्पीड़न से बचाया जाना, विकास करना पूरी तरह से, समाज परिवार के सांस्कृतिक संरचना में ढलना बच्चे का अधिकार है। तो चाइल्ड हेल्पलाइन की सेवा बच्चों के हितों, उनकी आवश्यकताओं, सुरक्षा को पूरा करने के लिए यहाँ पे चालू की गई है, ठीक है। तो जो बच्चा कहता है उसको सुनना जाए, उसकी बात कहते समय बच्चों को डांटे और भय में नहीं रखना चाहिए। चाइल्ड हेल्पलाइन परामर्शदाता को बच्चों की बातों को सुनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, जहां तक संभव हो बच्चों के मामले में सीधे दखल दिया जाता है, उन्हें आवाज प्रदान कराने में शैक्षिक कानूनी सेवाएं प्रदान कराने हैं। तो बहुत सारी यहाँ पे चाइल्ड हेल्पलाइन की सेवाएं हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इतना काफी है, भारत में चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर क्या है, 1996 में आरंभ की गई थी। 8910 याद रखना आसान हो जाता है, शायद यही नंबर है चाइल्ड हेल्पलाइन, ये है 8910, इसलिए 1098 8910 नंबर है जो बच्चा इस पे कॉल करके हेल्प मांग सकता है अपना, ठीक है ना। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, और मैं अभी से बता दूं कि ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बाल शिक्षा अधिकार, ठीक है, तो इसे एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, जाते जाते देख लीजिएगा, इससे एक दो क्वेश्चन तो 100% आएगा, बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आ सकता है, ठीक है ना।
और इसमें देखिए बाल अधिकार क्या है, ठीक है ना, भारत में बाल अधिकार क्या है, बाल अधिकार का सतत विकास क्या होता है, बाल एकीकृत बाल विकास यानी कि आंगनवाड़ी सेवा योजना क्या होती है, मध्याह्न भोजन क्या होता है, शिक्षा का अधिकार क्या होता है, बाल यौन शोषण, वेरी इंपॉर्टेंट कुछ चीजें हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से पेपर पढ़िए, जो भी बनेगा अच्छा बनेगा, करके सब कुछ आना है, छोड़ के कुछ नहीं आना है। टेक केयर, बाय।